Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 5 of chapter number 7. Open the page 97, non-traditional methods of producing electricity. Previous lecture के अंदर हमने traditional methods देखे थे electricity को produce करने के, जिसके अंदर hydroelectric power, thermal power और nuclear power को discuss किया गया था. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करती जा रही है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ नॉट इनफ टू फुलफ़िल आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, उससे ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं होती. इसके अलावा कुछ नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स भी देखे जाते हैं, जिसके अंदर क्या हो के कुछ चीज़ों को, मतलब यू कैन कंसिडर डैट के जो, जैसे आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में वाटर को यूज़ किया जा रहा था, थर्मल पावर के अंदर कोयले को यूज़ किया जा रहा था, और न्यूक्लियर पावर के अंदर यूरेनियम एटम को यूज़ किया जा रहा था. लेकिन सोलर पावर या अदर मेथड्स जो हैं, जिसके अंदर वाइंड पावर, टाइडल पावर और जियो थर्मल पावर्स हैं, ये नेचुरली तौर पर चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी और उन चीज़ों को यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है. अब बेसिकली सोलर पावर, नेम से आपको इंडिकेट होता है, सोलर यानी कि सन, सन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी. अब आप लोगों ने आजकल के दौर के अंदर सोलर पैनल्स जो हैं वो देखे होंगे, जिसके अंदर रोड्स वगैरह पे लगे होते हैं. नॉर्मली उनके अंदर क्या होता है कि सेल्स वगैरह जो हैं वो लगे होते हैं सीरीज़ के अंदर. एक के साथ एक सेल जो है वो जुड़ा होता है, और उस सेल के अंदर जो है वो वोल्टेज एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और वो एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर होती है, और लेटर ऑन क्या होता है, या डायरेक्ट पावर स्टेशन को दी जाती है, या फिर बैटरी के अंदर उस एनर्जी को स्टोर करके बाद में लेटर ऑन यूज़ किया जा सकता है. अब ये एनर्जी जो है वो किस तरह यूज़ होती है, पहले टाइम के अंदर जो कैलकुलेटर्स होते थे ना, वो ऐसे कैलकुलेटर्स होते थे जो कि सेल के बगैर चलते थे. उसके अंदर कौन से सेल लगे होते थे, फोटो सेल. फोटो मीन लाइट, वो सेल जो कि लाइट से चलते हैं, लाइट के बेस के ऊपर इंस्टॉल, लाइट की बेस के ऊपर जो है वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते थे लाइट को, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहे होते थे. सेम केस जो है वो यहाँ पर है कि एटमॉस्फेयर, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ना, उस वहाँ तक जो सूरज की रोशनी पहुँच रही होती है वो कितनी होती है, इट इज़ 1.4 किलोवाट. किलोवाट जो है ये एनर्जी का यूनिट होता है. पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर के एरिया के रकबे के अंदर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सूरज की रोशनी पहुँच रही होती है, इट इज़ 1.4 किलोवाट. ठीक है, अब जो डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस वगैरह मौजूद होती हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स और गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या करती हैं, कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं जो सूरज से आ रही होती है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और कुछ को डिस्पर्स कर देती हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी. लेकिन 1.4 टोटल एनर्जी में से जो 0.4 एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है और डिस्पर्स हो रही है, लेकिन स्टिल 1 किलोवाट एनर्जी जो है वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर 1 मीटर के रकबे के अंदर पहुंच जाती है. अब ये वाली जो एनर्जी है, सम केसेस के अंदर क्या होता है, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए दो तरीक़ों से किया जा सकता है. या तो इसको सोलर पैनल के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी प्लेट्स लगी होती हैं जो कि आपने डेली लाइफ के अंदर देखी भी होंगी, जिसको ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर के अब पेंट किया जाता है. अब नॉर्मली ब्लैक कलर का पेंट का पर्पस ये होता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर होता है. यू कैन कंसिडर डैट कि सबसे ज़्यादा जो हीट का जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो ब्लैक कलर में होता है. नॉर्मली यही रीज़न है कि अगर गर्मियों के मौसम में ब्लैक कलर का अबाया या गाउन पहना जाए तो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से ज़्यादा उसमें गर्मी फील होती है. यह सेकंड वन जो मेथड है उसके अंदर सोलर सेल्स होते हैं. सोलर सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट सूरज से आने वाली लाइट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और ये सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उनके अंदर हीट जैसे ही एब्जॉर्ब होती है वो सेल एनर्जी, जो सेल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको आगे इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं, और इस तरह जो है वो सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. नेक्स्ट वन
जो है वो वाइंड पावर, वाइंड आपको पता है वाइंड हवा, विंड पावर। इसके अंदर जो माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द मॉल, वहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं कि बड़े बड़े जो है ना वो विंड फॉर्म के अंदर जो है वो टर्बाइंस जो हैं वो लगे होते हैं। अब ये वाले जो टर्बाइंस होते हैं वो क्या कहते हैं, जब विंड हाई पावर आती है तो उस टाइम के अंदर ये जो विंड मिल के अंदर बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे फोर विंग्स लगे होते हैं जो कि टॉप के ऊपर लगे होते हैं। जब विंड आती है तो वो क्या करते हैं, वो हवा की हेल्प से बेसिकली ये घूमते हैं और ये आगे टर्बाइंस को हेल्प आउट करते हैं चलाने के लिए। तो नेक्स्ट अगर ये टर्बाइंस को चलाते हैं तो टर्बाइंस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो इस तरह जो है विंड पावर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। हेयर यू कैन कंसिडर इन विंड पावर काइनेटिक एनर्जी और फास्ट ब्लोइंग एयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अ विंड मिल कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 विंग्स माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द पोल, दीज आर कॉल्ड टर्बाइंस ऑफ द विंड मिल। ठीक है, इनको टर्बाइंस भी कहा जा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर को घुमाने के लिए यूज़ होगा। वन टर्बाइंस टर्न ड्यू टू द एयर वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस एनर्जी इन मैनी वेज। ट्रेडिशनल विंड मिल इज़ यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड टू फैच वाटर टू फ्रॉम द वेल। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये बेसिकली दो पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और कुएँ के अंदर से पानी निकालने के लिए, जैसे ट्यूबवेल की फॉर्म के अंदर होता है। बट द मॉडर्न विंड मिल इज़ यूज टू रन जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अ बिग फॉर्म ऑफ मैनी विंड मिल इज़ मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग ह्यूज जनरेटर। थर्ड वन जो है वो आप लोगों के पास है टाइडल पावर। टाइडल जो है वो बेसिकली समुंदर की लहर को बोला जाता है। आप लोगों को ये बात पता है कि जो मून है वो समुंदर की लहरों को अट्रैक्ट करता है, उसी अट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब ऑटोमेटिकली मून जो है मून की अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए और इसकी जो टाइडल सी के अंदर जो टाइडल्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। जब मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है इसको भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। कंट्रोल जब किया जाता है तो बेसिकली जब वही टाइडल्स जो हैं वो वापस जा रही होती हैं तो वापस गुजरते हुए वो टर्बाइंस को घुमा के जाती हैं और उन टर्बाइंस को घुमाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अब यहाँ पे बेसिकली डायग्राम के अंदर चेक करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कैप्ड एट द हाई टाइड लेवल। यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है, यहाँ पे उसके सेंटर के अंदर वाटर फ्लो आउट टू द सी टर्निंग द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेंटर के अंदर जो है यहाँ पे टर्बाइंस जो है वो लगाया जाता है। अब जब वो वाटर एकदम मूव करता हुआ आता है इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाता है, डैम जो है वो बनाए जाते हैं। और जब वो डैम के अंदर ऐड होता है तो वाटर जो है वो जो सी की टाइड्स हैं वो इसके अंदर ऐड होती हैं। जब वो वापस जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ दोबारा मूव करके जा रही होती हैं तो पानी की एकदम जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो होता है जब वो सी के अंदर ऐड हो रहा होता है लो टाइड की फॉर्म के अंदर, तो वो टर्बाइंस को घुमा के जाता है। ये टर्बाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, और इन सेकेंड केस सेम एज वही चीज़ हो सकती है बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो टर्बाइंस जो है वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन काम इसका एक ही होता है कि बेसिकली हाई लेवल टाइड्स का एंटर होना, जब उसने वापस सी के अंदर जाना है तो लो लेवल टाइड की फॉर्म के अंदर वापस आना, लेकिन उसका टर्बाइंस को घुमा के जाना। हेयर बिग टाइड्स ऑफ द वाटर जनरेट इन द सी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून, द एनर्जी ऑफ दिस टाइड इज़ नाउन एज टाइडल एनर्जी। द टाइडल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू दिस एट द अराइवल ऑफ हाई टाइड, जब वो एंटर हो रही है। वाटर इज ट्रैप्ड इन द डैम, वहाँ पर वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। ऑन रिटर्न ऑफ द टाइड ट्रैप वाटर इज अलाउड टू फ्लो आउट इन सच अ वे डैट इट टर्न्स द टर्बाइन सेंटर में मौजूद होने की वजह से उसको घुमा के जाता है। द जनरेटर ज्वाइंट टू टर्बाइंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी पावर के साथ अटैच होता है। द हाई टाइड मूव टूवर्ड द डैम इज आल्सो यूज टू टर्न द टर्बाइन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लास्ट नॉन ट्रेडिशनल मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ जियो थर्मल पावर। जियो कहते हैं अर्थ को और थर्मल कहते हैं हीट को। आप लोग प्रीवियस टॉपिक के अंदर इस बात को देख चुके हो कि थर्मल हम हीट को बोल रहे थे। अब जियो थर्मल से क्या मुराद हुआ कि ज़मीन की हीट। अब ज़मीन की हीट से मुराद ये चीज़ है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं जियो थर्मल इनर्जी किसे कहते हैं। जियो थर्मल बेसिकली क्या होता है, ज़मीन के अंदर जो मौजूद हॉट वाटर या फिर स्टीम है, ठीक है, उसकी इनर्जी को यूज़ करना ज़मीन की नीचे लेवल से लेकर उसको यूज़ करना, वो बेसिकली जियो थर्मल है। अब होता ये है कि आलमोस्ट ज़मीन के नीचे अगर 10 किलोमीटर सरफेस तक नीचे मूव किया जाए तो वहाँ पे हॉट सेमी मोल्टन पिघले हुए रॉक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो जो रॉक्स होते हैं उनका टम्परेचर आलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब टम्परेचर इतना ज़्यादा होने की वजह से इतनी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो वाटर मौजूद होता है वो भी गर्म हो जाता है ड्यू टू दिस टम्परेचर। तो वहाँ का जो वाटर है या स्टीम होता है वो जब सरफेस के ऊपर आता है, कुछ केसेस में तो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन्स या फिर स्टीम की फॉर्म के अंदर जो है वो डायरेक्ट सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उस स्टीम को बेसिकली क्या किया जाता है, टर्बाइंस को घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि आलमोस्ट हर केस के अंदर हमारा जो कंसल्ट है वो टर्बाइंस के साथ है। टर्बाइंस को घुमाना वो बेसिकली आगे फर्दर इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ अटैच होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब ये जो ज़मीन के अंदर बेसिकली वहाँ पे जो वाटर वगैरह मौजूद होता है या स्टीम वगैरह मौजूद होते हैं उसको ज़मीन के अंदर से ड्रिलिंग की फॉर्म के अंदर जो है वो निकाला जाता है। ड्रिल्स होते हैं ज़मीन के किसी चीज़ को खींच के ऊपर लेके आना। तो दो ड्रिल्स लगाए जाते हैं, एक से कोल्ड वाटर को निकाला जाता है, सेकेंड वन जो है वो स्टीम हॉट की फॉर्म के अंदर जो है वो उसको यूज़ करते हैं। अब ये देखो, इन दोनों ड्रिल्स के दरमियान के अंदर बेसिकली टर्बाइंस को लगाया गया है। जैसे ही ये स्टीम ऊपर आती है तो ये इस टर्बाइन को घुमा देता है और टर्बाइन जो है वो बेसिकली आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ अटैच है जिसका काम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। टू ट्यूनल आर ड्रिल देयर अप टू द रॉक्स, कोल्ड वाटर इज पम्प थ्रू वन ट्यूनल विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम थ्रू द सेकेंड ट्यूनल। द स्टीम टर्न्स द जनरेट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हेयर टूडे आवर टॉपिक इज एंड। Learn this question properly very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.